हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे Z5 डाउनलोड वीडियो नॉट प्लेइंग प्रॉब्लम। तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यही इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जो सेटिंग बताऊंगा वही आपको फॉलो करना है। सबसे पहले हम सेटिंग ओपन कर लेंगे अपने मोबाइल में। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने मिलता है अपनी स्क्रीन पे। यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐप मैनेजमेंट का, आपको ऐप मैनेजमेंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ऐप लिस्ट है, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने ऐप को सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको अपने ऐप का कैच क्लियर करना है, तो स्टोरेज यूसेज का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्लियर कैच का ऑप्शन है, तो उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ध्यान देना है, आपको क्लियर डेटा नहीं करना है, वरना आपका ऐप पूरा जो आपका डाउनलोड है वो सब डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर डेटा पे क्लिक नहीं करना है भूल से भी, और सिर्फ क्लियर कैश पे करना है। इससे आपका ऐप फ्रेश हो जाता है और जो वीडियो रहती है वो पूरी आपकी अच्छे से प्ले होएगी वापस। इसके बाद ये सेटिंग करने के बाद आपको बैक जाना है और अपना मोबाइल एक बार रीस्टार्ट करना है, यानी बंद करके एक बार मोबाइल को चालू करना है। तो यहाँ पर आपका पावर का जो बटन है उसे दबा के आपको ऑप्शन देखने मिल जाएगा रीस्टार्ट का। मैं आपके यहाँ स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे रीस्टार्ट करने है आपको, बंद करके चालू करना है, उसके बाद आप अपना ऐप यूज़ कर सकते हैं। जो भी वीडियो आपने डाउनलोड किया है वो इजीली आप देख पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है कैसे अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको अपने ऐप का कैच क्लियर करना है और उसके बाद आपको अपना मोबाइल एक बार रीस्टार्ट करना है, यानी बंद करके चालू करना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय।